दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स आम आदमी पार्टी का मजाक बना रहे हैं। वीडियो में मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्या कह दिया जिससे उनका मजाक बनाया गया, आप खुद ही देख लीजिए। दो हफ्ते पहले हम लोगों ने एक सर्वे शुरू कराया था, 21 अप्रैल से ये सर्वे का काम शुरू किया था और इसमें हमने जनता से 3 सवाल पूछे थे। तो 2 हफ्ते में इसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि आम आदमी पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, आम आदमी पार्टी ही गुंडाई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। दूसरा सवाल था किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। आम आदमी पार्टी की छवि देखिए, 89% लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। 5% कांग्रेस और 4% अदर्स। तीसरा सवाल था कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, आम आदमी पार्टी को 10% और अदर्स 2%। भाजपा दिल्ली की प्रवक्ता निगत अब्बास ने ये वीडियो कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि सिसोदिया जी ने पहली बार सच बोला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली के प्रवक्ता गौरव वर्मा ने भी ये वीडियो ऐसे ही मैसेज के साथ ट्वीट किया। राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मनीष सिसोदिया बियर के नशे में है, इस वजह से उन्होंने सच बोला। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वीडियो आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए शेयर किया जा रहा है। तो क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ने खुद की ही पार्टी की बुराई की? इस सवाल का जवाब है नहीं। वीडियो में फन कट का वाटरमार्क है, इसके अलावा इसमें कई जगह पर जम कट्स हैं। ट्विटर पर सर्च करने पर हमें 4 मई का मनीष सिसोदिया का ट्वीट मिला। इस ट्वीट में उन्होंने असली वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो देखने पर साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो एडिट किया गया है। 21 अप्रैल से ये सर्वे का काम शुरू किया था और इसमें हमने जनता से 3 सवाल पूछे थे कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे करवाती है, किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, और तीसरा कि किस पार्टी में शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। ये सर्वे हमने फ़ोन कॉल से, फील्ड सर्वे और कैटी सर्वे के रूप में कराया, तीनों तरीके से कराया। तो 2 हफ्ते में इसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। करीब 11.5 लाख लोगों से बात की इस सर्वे में हमने, और एग्जैक्टली देखें तो 11,54,231 लोगों से इस सर्वे में बात हुई। 11,54,231 लोगों से बात हुई। इसमें दिल्ली की जनता का सर्वे है ये, कि हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडाई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। दूसरा सवाल था किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की छवि देखिए, 89% लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। 5% कांग्रेस, 2% आप और 4% अदर्स। तीसरा सवाल था कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, भारतीय जनता पार्टी 10% और अदर्स 2%। असली वीडियो में जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया है, उसे वायरल वीडियो में आम आदमी पार्टी से बदल दिया गया है।
यानी एक एडिट किए गए वीडियो के सहारे भाजपा नेता और समर्थकों ने मनीष सिसोदिया को टारगेट किया।